तो हेलो एवरी वन आई एम ईयर विद माई सेकेंड लेक्चर ऑन सीक्वेंसिंग राइट फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सबसे पहले हमने सीक्वेंसिंग देखा था क्या होता है उसके बाद हमने देखा था प्रोसेसिंग ऑफ एन जॉब्स थ्रू टू मशीन्स फिर थ्री मशीन्स राइट अब थर्ड जो टाइप है प्रोसेसिंग ऑफ एन जॉब्स थ्रू एम मशीन्स राइट सो एम मीन्स लार्ज नंबर राइट तो बहुत सारे मशीन्स हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं टाइप उसको हाईलाइट कर देता हूँ सो देट तो ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा ठीक है इसको सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कैलकुलेट द मिनिमम टाइम नीडेड टू प्रोसेस जॉब वन एंड टू सो टू जॉब्स राइट आई आई रिपीट अगेन द प्रॉब्लम द टाइप इज प्रोसेसिंग ऑफ टू जॉब्स थ्रू एम मशीन देर आर मेनी मशीन्स राइट ए बी सी डी ई बट एंड देर आर ओनली टू जॉब्स इन जॉब्स के बदले टू जॉब्स हो गया और टू थ्री मशीन्स के बदले एम मशीन्स हो गया ठीक है सो so, इसके लिए जो टेबल है वो दिया हुआ है सो क्वेश्चन इज लाइक दिस कैलकुलेट द मिनिम टाइम नीडेड टू प्रोसेस जॉब वन एंड टू ऑन फाइव मशीन्स ए बी सी डी ई फॉर ईच मशीन फाइंड द जॉब विच शुड बी डन फर्स्ट ठीक है सो देर आर टू जॉब्स वो दोनों जॉब इन मशीन्स पे जाने वाले हैं ठीक है जॉब वन अगर मशीन ए पे जाता है तो इट इज़ गोइंग टू टेक वन आवर मशीन बी पे दो सी पे तीन डी पे पाँच और ई पे एक सिमिलरली जॉब टू इन मशीन्स पे इस सीक्वेंस में जाएगा ठीक है सीक्वेंस इज ऑलरेडी गिवन ठीक है हमको सिर्फ टाइम दिया हुआ है आ, बेसिकली टाइम इन आवर्स में दिया हुआ है ठीक है सो so, हमको ये करना है कि फाइंड द जॉब विच शुड बी गिवन विच शुड बी डन फर्स्ट सो दिस आर दी गिवन डेटा ठीक है सो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि प्रोसेसिंग ऑफ टू जॉब थ्रू एम मशीन्स देर आर मैनी मशीन्स ठीक है एन एम नंबर ऑफ मशीन्स सो इसको अगर हम लोग सॉल्व uh, करने जाएंगे सो so, बेसिकली जैसे हमने कॉलम का पढ़ा था इसके पहले कि अगर थ्री मशीन्स हैं ठीक है तो उसके लिए हम लोग थ्री को टू में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग और उसके बाद वापस से हम लोग जब सिमुलेट करते हैं टाइम को सो तो हम लोग वापस से उसको थ्री में कन्वर्ट करके देन वी सॉल्व बट यहाँ पे एम मशीन रेट कुड बी टेन सो टेन को टू में कन्वर्ट करना इज़ अ वेरी टीडियस टास्क राइट और फिर उतना एक्यूरेसी भी आपका मेनटेन नहीं हो पाएगा सो द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज थ्रू ग्राफिकल मेथड ओनली राइट सो हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हैं बिकॉज देखिए एवरीथिंग इज सॉल्व विथ इन ईजीएसट वे राइट सो इसके लिए ईजीएस्ट वे ग्राफिकल मेथड है सो वी आर गोइंग टू सी अ ग्राफिकल मेथड फॉर दिस राइट सो सबसे पहले क्या करना है हमें ठीक so, है सो स्टेप वन वट यू कैन डू इज यू ऑल कैन राइट डाउन स्टेप्स विच आई एम टेलिंग यू ठीक है सबसे पहला स्टेप है ड्रा टू एक्सेस एट राइट एंगल टू ईच अदर तो बेसिकली क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपको वो बनाना है ठीक है सो ड्रा टू एक्सेस दैट इज एक्स एंड वाई राइट एट राइट एंगल टू इच अदर एड यू ऑल नो रिप्रेजेंटिंग प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब वन एंड टू सो एक एक्सिस को मैं जॉब वन बोलूँगा और दूसरे एक्सिस को जॉब टू बोलूँगा ठीक है सो आई थिंक द बेटर थिंग वुड बी इफ आई सॉल्व इट साइमलटेनियसली सो दैट यू ऑल कैन को रिलेट विथ डेट राइट सो द्रेट ओके ड्यू टू लेस एरिया है एक्चुअली द ग्राफ वुड बी बिगर देन दिस ब ठीक है क्योंकि एरिया कम है उस so मैं छोटे में आई ट्राई टू मैनेज बट ड्राइंग इन स्मॉलर माइनस ओके सो देर आर टू एक्सेस जो मैंने बना दिया है ठीक है इस एक्सेस को मैं जॉब वन का नाम दूंगा इसको मैं बोलूँगा जॉब टू ठीक है अब ये जॉब वन मीन्स व्हाट कि जॉब वन गए थोड़ा सा मेरे साथ आप जिस कीजिए ठीक है इसको मैं बोलूँगा ओरिजिन एज यू ऑल नो और स्टार्ट ठीक है तो ओरिजिन या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टार्ट ठीक है अब ये जो लाइन है ये इस पर जो स्केल रहेंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को ठीक है सो so, मैं यहाँ पे टाइम बना देता हूँ सो द बेटर थिंग वुड बी मैं इन सेंटीमीटर्स ही लेता हूँ ठीक है सो वन थ्री फोर अब ये चीज़ है हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इसको विथ रिस्पेक्ट टू स्केल बनाएं अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम वाइल कैलकुलेटिंग योर आंसर ठीक है तो हमेशा स्केल से ही बनाना ऊपर साइड लिख रहा हूँ बिकॉज देर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ एरिया ओके सिमिलरली मैं यहाँ पे स्केल भी यूज़ करूँगा फोर फाइव नाइन टेन एलेवन ग्रेट एक्चुअली मुझे वर्टिकल एक्सिस में फिफ्टीन तक चाहिए था बिकॉज डेटा फिफ्ट जाने वाला है फिफ्टीन तक बट नाउ यू विल एडजस्ट ठीक है जब जाएगा तो मैं बता दूंगा उसको कि ये ऊपर जा रहा है ये हो गया हमारा अब ये जो डिविजन्स किए हैं मैंने ये हमें मिनट्स बताते हैं या फिर आर्स बताते हैं क्वेश्चन में आर्स है तो दिस रिप्रेजेंट्स आर राइट सो द फर्स्ट स्टेप आई रिपीट अगेन वुड बी टू ड्रॉ टू एक्सिस एट राइट एंगल टू ईच अदर रिप्रेजेंटिंग प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब वन अलॉन्ग हॉर्दोंटल एक्सिस एंड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब टू अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस राइट स्टेप टू ले आउट द मशीन टाइम्स फॉर द टू जॉब्स ऑन करस्पॉन्डिंग एक्सेस इन गिवन टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर सो देर इज देर आर ऑर्डर विच इज़ गिवन फॉर जॉब वन ठीक है जॉब वन ऐसे ऐसे मूव करेगा जॉब वन जो है वो इस सीक्वेंस में मूव करेगा जॉब टू इस सीक्वेंस में मूव करेगा सो so, अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है मुझे मेरे ग्राफ में वो बाइफरिकेशन करना है ठीक है अभी वो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब वन लेता हूँ जॉब वन को देखिए आप क्या है पहले ए को वन आर बी को टू और सी को थ्री आर डी को फाइव आर ई e को वन आर ये सब ऐड करूँगा मैं सो थ्री सिक्स फाइव इलेवन ट्वेल्व राइट तो मुझे यहाँ पे बेसिकली ट्वेल्व तक मैं यूज़ करने वाला हूँ मतलब पहले एक घंटा एक ये जो जॉब वन है ठीक है मशीन ए पे पहला घंटा एक घंटा रहेगा बी पे दो घंटा रहेगा तो दीज आर दी एरियाज़ राइट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है मशीन ए का एरिया है ये जो है मशीन बी का एरिया ठीक है सिमिलरली जॉब टू के लिए भी वही होता है सो जॉब टू देखे तो थ्री प्लस फोर सेवन टू नाइन वन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन मैंने आपको कहा था ना मुझे फिफ्टीन चाहिए पर यहाँ पर फिर भी एलेवन ही आए सो नो इशू ठीक है so, no issue, तो ये है तो जॉब सी सी पहले तीन पहले तीन घंटे के लिए जॉब टू जो है वो सी के एरिया मशीन पे रहेगा उसके तो उस हिसाब से ये मशीन के अलाटमेंट्स से ठीक है अब हमें वेरी सिंपल चीज़ हम हमको क्या करना है वो देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल है सबसे पहले जॉब वन में हमको देखना है जॉब वन में पहला क्या है ए है ठीक है तो जॉब वन में पहला जो लाइन रहेगा वो ए का होगा ठीक है मैं क्या करूँगा इसको आप पेंसिल से बनाना जब भी बनाना तो इट विल बी बेटर बिकॉज़ आपको यहाँ पे इरेज बहुत कुछ करना पड़ेगा ठीक है तो ऑलवेज ड्रॉ जब फाइनलाइज हो जाएगा देन यू कैन यूज़ पेन टू हाईलाइट द एरिया ठीक है तो मैं डैश लाइन से यहाँ पे बनाऊँगा सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड मशीन ए का एरिया है जॉब वन जब मशीन ए का मशीन ए पे होगा ठीक है एटलीस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अब हमें देखना है कि ये जॉब टू मशीन ए पे कब होगा जॉब टू देखिए जॉब टू मशीन ए पे कब होगा थर्ड मिनट के बाद और सेवेंथ मिनट तक मतलब देखिए पहले थर्ड मिनट तक तो सी होगा जॉब जॉब टू जो है मशीन सी पे होगा फोर्थ मिनट पे वो कहाँ जाएगा ए पे जाएगा और सेवेंथ मिनट तक ए पे रहेगा बिकॉज मशीन ए चार मिनट लेने वाला है ठीक है तो यहाँ पे ये नंबर लाइन में आप थ्री तक तो सी होगा थ्री से सेवन तक मशीन ए होगा मशीन ए पे होगा जॉब टू तो मुझे ये एक एरिया मिलेगा इसको मैं ठीक है सो मैं इसको क्या करूँगा बेसिकली हाईलाइट कर दूंगा इस एरिया को अब ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है ये एरिया रिप्रेजेंट करता है मशीन ए को मशीन ए जो है इस समय ठीक है जॉब वन में है और ये जो है ये पूरा बेसिकली पहले मिनट में जॉब मशीन वन जो है मशीन ए सॉरी वो ऑक्यूपाइड है ठीक है सिमिलरली वो जॉब मशीन जॉब टू जो है वो उस मशीन पे कब आ रहा है इस एरिया में आ रहा है सो so, ये जो टाइम है ना ये क्लास टाइम है ठीक है ये जो रीजन है बेसिकली ये पूरा का पूरा टाइम को रिप्रेजेंट करता है ये मेट्रिक ये जो क्वाड्रेंट है राइट right? सो so, ये जो टाइम है ना ये टाइम पे कभी भी हमको बेसिकली uh, uh, कभी भी भूल के जॉब वन या जॉब टू को इंटरसेक्ट नहीं करना ये एरिया क्या बताता है कि इस समय अगर जॉब वन जॉब टू करूँगा तो जॉब वन के लिए तकलीफ होगा आइडल होगा मतलब जॉब वन आइडल हो जाएगा अगर जॉब टू को मशीन ही पर डालूंगा ठीक है तो हमेशा ये अभी आगे हम लोग देखते हैं और क्या होता है सो बेसिकली दिज आर दी रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो हमको कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है ठीक है तो ऐसे सारे रेस्ट्रिक्टेड एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे या ड्रॉ करेंगे अब अब देख लेते हैं मशीन बी को सो so, अभी बी कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ जॉब वन के लिए आफ्टर वन मिनट एंड अप टू थ्री सो यहाँ पे तो इसको भी मैं वापस से एक इन द सेम वे बना लूँगा ठीक है अब मशीन बी को हम लोग देखेंगे सो so, मशीन भी लास्ट में मतलब सेवन प्लस टू नाइन वन टेन टेन से फिफ्टीन तक मतलब यहाँ से ऊपर ठीक है तो अब आप लोग को देखिए अब मैं बोल रहा था कि वो जो है तो लेट इट बी नो प्रॉब्लम ठीक है तो ये इससे फिफ्टीन तक का ये एरिया रिप्रेजेंट करता है रेस्ट्रिक्टेड जोन फॉर मशीन बी ठीक है मशीन सी पे आते हैं सी कब स्टार्ट होगा आफ्टर थ्री जॉब वन के लिए थ्री से सिक्स तक ठीक है थ्री पे स्टार्ट होगा सिक्स तक इसको भी मैं एज इट इज बना लूंगा अब मैं जॉब टू को देख लेता हूँ मशीन स्टार्टिंग का ही है थ्री मिनट्स मतलब ये जो पहला थ्री मिनट है ये तो मैं इसको एरिया मिल गया, ठीक है अब उसके बाद देख लेते जॉब वन आफ्टर सिक्स मिनट जो है मशीन डी को देख लेते हैं वो सिक्स से फाइव मतलब लेवन तो सिक्स से स्टार्ट हुआ लेवे तक ठीक है तो यहां पे एक लाइन बना दूंगा मैं ठीक है अब मशीन डी को देख लेते हैं हम लोग जॉब टू पे सो so, मशीन डी सेवन प्लस सेवन से नाइन तक सेवन से नाइन तक ठीक है तो मैं ये जो एरिया मिल रहा है मैं वापस से बताता हूँ दीज आर दी रेस्ट्रिक्टेड एरिया ठीक है यहाँ पे बेसिकली हमें सावधान रहना है ठीक है यहाँ पे हमको यहाँ पे चांसेस है कि आपके जो जॉब्स हैं ना, वो एक ही मशीन पे आने का कर ट्राई करेंगे अगर ये एरिया पे मैंने कभी भी सीक्वेंस को आने दिया तो ठीक है तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्टेड ज़ोन है जहाँ पे हमें हमेशा सावधान रहना अब लास्ट ऑपरेशन देख लेते हैं जो है जॉब बन आ, मशीनी का तो मशीनी का रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है वो जो रहेगा दिस विल बी फ्रॉम इलेवन टू ट्वेल्व यहाँ पे देखिए ये ट्वेल्व ठीक है तो इसको मैं बना लेता हूँ गई वेरी ईजी कैल्कुलेशन एज इट इज़ कुछ है नहीं ठीक है सिर्फ आपको सॉल्व करना है प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस है बट जो मेथड है वो बहुत ही इजी है ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं जॉब टू मशीन ई पे कब आएगा ठीक है तो वो मशीन ई पे वन सेकेंड गाइस हाँ सो so, जॉब टू आ, मशीन ई पे कब आ रहा है सेवन प्लस टू नाइन नाइन से टेन तक ठीक है नाइन से टेन तक मतलब ये एरिया में सो so, नाइन से टेन तक सो so, मैं मैनुअली ऐसे ही बना देता हूँ विदाउट स्केल राइट और ये जो पॉइंट है ये तो ये लेवन है ना तो कंसिडर कीजिए फिफ्टीन तक जाता है ठीक है तो ये जो है यहाँ पे ये फिफ्टीन सपोज करते हैं, ये जो है ये लेवन सॉरी so ये फिफ्टीन और ट्वेल्व पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है दैट मीन्स दिस इज ट्वेल्व कॉमा फिफ्टीन इसको मैं बोलूँगा फिनिश क्यों बोलूँगा अभी बताता हूँ आपको ये हमारा हो गया स्टेप टू राइट और हमने स्टेप थ्री बेसिकली स्टेप टू था मार्क uh, करना टाइम ठीक है स्टेप थ्री था कि ये जो एरिया रेस्ट्रिक्टेड एरिया उसको प्लॉट करना ठीक है अब स्टेप फोर क्या है देखिए हम दिस इज स्टार्ट राइट अब मुझे स्टार्ट से फिनिश को पहुँचना है ठीक है एक चीज़ ध्यान दीजिए अब स्टार्ट से फिनिश को पहुँचना है ग्राफिकल वे में विदाउट पासिंग थ्रू दिस रेस्ट्रिक्टेड एरिया ठीक है अगर मैं प्रॉपरली पहुंच जाता हूं दैट मींस दैट वुड बी माय ऑप्टिमम सोल्यूशन ठीक है तो वो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है कि कौन सा सीक्वेंस कौन सा जॉब कौन से मशीन पे पहले आएगा ठीक है अब इसके लिए हमको क्या करना है देखो अगर बहुत सिंपल सा एक रूल है कि हमको स्टार्ट से ये करना है ठीक है आपको अगर पता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगर हम लोग ग्राफ का बात करें तो वो फोर्टी फाइव डिग्री लाइन है ठीक है यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन सी कि वो सबसे कम डिस्टेंस आता है तो हम लोग वी विल ऑलवेज़ यूज़ फोर्टी फाइव डिग्री लाइन टू फॉर ट्रैवलिंग राइट पर कब कभ, कब कभ, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाएगा कि फोर्टी फाइव से देखिए अगर फोर्टी फाइव हम बनाएंगे तो वी हैव टू पास थ्रू दिस सो वो दैट और मैं यहाँ पर पास नहीं करना चाहता बिकॉज यहाँ पर अगर पास करूँगा तो मेरे मशीन्स ओवरलैप कर जाएंगे ठीक है और एक मशीन पे मैं दो जॉब लगा नहीं सकता एक साथ ठीक है तो उसके लिए हम लोग को वर्टिकल या हॉर्जोटल मूवमेंट लेना पड़ेगा ठीक है सो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले फोर्टी फाइव मतलब देखिए कैसे सिंपल, वेरी सिंपल जीरो से स्टार्ट किया थ्री थ्री मतलब ये पॉइंट फोर्टी फाइव डिग्री हो गया सो मैं डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकता हूँ फोर्टी फाइव के लिए और इसको मैं आगे लेके जाता हूँ यहाँ तक ठीक है इसके बाद मैं यहाँ नहीं लेके जा सकता बिकॉज यहाँ लेके जाके अगर मैं मूव करता हूँ या फिर इसके आगे पास करता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू पास थ्रू दी रेस्ट्रिक्टेड एरिया तो मुझे मजबूरन मूव वर्टिकली राइट सो मैं वर्टिकली मूव करूँगा थ्रू दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट राइट उसके बाद मैं क्या करूँगा उसके बाद मैं अगेन फोर्टी फाइव डिग्री का लाइन बनाऊँगा ठीक है और 40 अभी ये देखिए ये पॉइंट जो था ये मैंने अज्यूम किया है ये फिर ये ऊपर जाएगा जब तो यू कैन फाइंड कि ये जो है लाइन ये अगेन 45 डिग्री बनेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा राइट तो दिस विल बी 45 डिग्री दिस इज़ 45 डिग्री ठीक है अब मैं ये समझाता हूँ आपको कि ये प्लॉट क्या है ठीक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो गाइज नाउ इफ़ यू वॉच केयरफुली दिस ग्राफ ना सो तो आपको समझ में आएगा देखिए जैसे ये लाइन मूव हो रहा है ठीक है आपका जॉब वन मशीन ए पे आया ठीक है उसके बाद जॉब वन मशीन टू पे आया ये मूव हो रहा है मूव हो रहा है जॉब थ्री जो है सॉरी जॉब वन सॉरी मशीन जॉब वन मशीन ए पे आया बी पे आया सी पे आया सी के बाद जॉब वन ठीक है ये लाइन ये लाइन रिप्रेजेंट करता है जॉब वन जॉब टू के मूवमेंट को ठीक है अलग अलग मशीन्स पे तो so, अब जॉब वन देखिए क्या हो रहा है वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स की जॉब वन अभी आइडल है ठीक है हॉर्जोंटल लाइन रिप्रेजेंट्स की जॉब टू आइडल है तो यहाँ पे जॉब वन आइडल है ठीक है जॉब वन ए पे पास हुआ बी से पास हुआ सी से पास हुआ उसके बाद जॉब वन इतने टाइम के लिए आइडल है कितना टाइम है ये अगर अगर मैं इसको ग्राफ से देखूँ तो अप्रोक्सीमेटली सिक्स से नाइन तक तो थ्री आर्स के लिए जॉब वन आइडल होगा जॉब टू आइडल होगा नहीं कभी ठीक है तो फोर्टी फाइव मीन जॉब वन जॉब टू आर वर्किंग और अटैच ऑन और आर बिजी ऑन द मशीन्स वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट जॉब वन इज आइडल हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कि जॉब टू आइडल है ठीक है और उसके बाद ये पॉइंट से यहाँ तक मतलब जॉब वन जॉब टू दोनों मशीन्स पे बिजी हैं जॉब वन किस मशीन पे बिजी है सो ए बी सी डी डी मशीन डी पे और उसके बाद ई पे जॉब टू कहाँ पे बिजी है देखिए जॉब टू अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखें सो जॉब टू थ्री फोर टू वन फाइव सो थ्री ठीक है ये सी पे था उसके बाद ए पे फोर मतलब यहाँ पे ये जो एरिया है ये ए पे था ठीक है उसके बाद डी टू है देट मीन्स दिस इज डी उसके बाद ई वन है मतलब ये जो है ये ई e है और इसके बाद जो ऊपर है वो बी है फाइव जो हमने यहाँ पे पूरा नहीं बना पाए, ठीक है तो so, जब जॉब वन आइडल था तब जॉब टू जो है वो बेसिकली मशीन ए पे मशीन ए पे था और उसके बाद थोड़े टाइम उसके बाद डी पे था और फिर जैसे ही डी से कम्प्लीट हुआ डी पे कम्प्लीट हुआ फिर वापस से डी देखिए मशीन इफ यू सी जॉब वन जो है वो डी पे आ गया जैसे ही डी फ्री हुआ जॉब वन डी पे आ गया और जॉब टू ई पे चला गया ठीक है डी से ई e पे सो so, ये होता है सो बेसिकली दिस इज़ माई आइडल लाइन ठीक है और ये सी ये लाइन मुझे रिप्रेजेंट करता है कि ये बेसिकली ये सीक्वेंस मुझे फॉलो करना है ठीक है मेरे जॉब्स को फॉलो करना मशीन्स पे तो so, ये जो है ये सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देगा मुझे इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड मशीन ठीक है सो टोटल टाइम दैट वी कैन सी इज इफ़ यू कैन कैलकुलेट आई विल राइट इट डाउन सो टोटल एब्स टाइम इज फिफ्टीन आर्स जिसमें सारे ऑपरेशन हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे फिफ्टीन है राइट जो कि जॉब uh, टू को लेने बी पे लेने वाला है ठीक है जो लास्ट है सो फिफ्टीन आवर्स में सारे जॉब सारे मशीन से पास के पूरे ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे और अगर मैं ऑप्टिमल प्रोसेसिंग सीक्वेंस बताऊँ आपको तो बहुत सिंपल है मतलब जो हमको पूछा गया था फाइंड द जॉब विच शुड बी डन फर्स्ट मशीन वाइज ठीक है तो ए पे देखेंगे वेरी सिंपल मशीन ए अगर आप देखेंगे सो मशीन ए पे सी दिस इज़ मशीन ए ठीक है सो मशीन ए पे सबसे पहला कौन uh, कौन सा जॉब आएगा अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जॉब वन है मशीन ए पे ठीक है जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है सो मशीन ए पे जॉब वन पहले आएगा मशीन बी पे जॉब वन पहले आएगा ठीक है सिमिलरली मशीन सी पे जॉब टू पहले आएगा जॉब वन बाद में आएगा मशीन डी पे इफ़ यू सी सो मशीन डी पे जॉब यू कैन फाइंड आउट बाई कैलकुलेट एडिंग दाइम्स राइट सो थ्री सिक्स एलेवन और ये जो है सेवन तो जॉब टू डी पर पहले आएगा फिर उसके बाद जॉब वन आएगा मशीन uh, डी पे ई e पे देखेंगे सो तो ई e पे भी पहले जॉब टू आएगा फिर जॉब uh, वन आएगा और ठीक है सो दिस इज द सीक्वेंस मशीन पे कौन से कौन से मशीन पे कौन सा जॉब पहले आएगा इफ आस्ट इन दी क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस सो आई विल गिव एन एग्जाम्पल जॉब वन प्रीसीड्स जॉब टू ऑन मशीन ए ठीक है सो देर इज नो हार्ड फास्ट कैलकुलेशन ठीक है बस ये ये प्रॉब ये जो मेथड है ये हमको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है कि कौन सा मशीन्स के कौन से रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और बेसिकली मेरा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है या जो मेरा प्रो सल्यूशन जो मैंने फाइंड आउट किया वो कैसे मूव होने वाला है कौन सा आइडल टाइम कब होगा कौन से जॉब का राइट right? सो so ये मुझे ग्राफिकली वे में बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मुझे हेल्प करता है ये मेथड ओके okay? सो दिस इज दैथड अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो हम लोग ट्रैवलिंग सेल्स मैन का जो हम लोग लेने वाले हैं सो गाइज ट्रैवलिंग सेल्स मैन प्रॉब्लम फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम ठीक है मेट्रिक्स में आपको बना के दिखाता हूँ सो देर आर सपोज फाइव सिटीज़ ए डी सी डी एन ई ठीक है ये असाइनमेंट का ही प्रॉब्लम है ठीक है बट ट्रैवलिंग सेल्स मैन या शॉर्टेज साइक्लिस्ट रूट से भी इसको बोला जाता है रिप्रेजेंट किया जाता है अनदर सिटी ए बी सेम सिटी सॉरी ए बी सी डी एंड ई। ओके, नाउ ओके okay, अब ये एक सेल्समैन है जिसको इन पांचों सिटीज़ में जाना है ठीक है फॉर कुछ भी एक काम करने के लिए फॉर एग्जाम्पल सेल्समैन है तो सेल्स करने के लिए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फ्रॉम ई सिटी टू ई सिटी उसको मूव करना है ठीक है अब ये जो है ये मेट्रिक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा कि कॉस्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी ए से वो सिटी बी को जाता है उसको तो दो रुपये का खर्च आता है ठीक है तो कीपिंग इट सिंपल मैं जो वैल्यूज़ है हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स में नहीं लूँगा मैं रुपीज़ में ले वेरी सिम्पल यूनिट में ही लेता हूँ तो so, ये दो रुपये का खर्चा है सिमिलरली ए टू सी का मोमेंट है उसको पाँच रुपये का खर्चा सात और एक ए टू ए जब वो इसी सिटी में है तो इट विल नॉट कॉस्ट एनी मनी टू हिम राइट बी टू ए अगर वो पहले बी जाता है और उसके बाद ए आता है ठीक है तो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेन नहीं है तो कोई और मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन में उसको ज़्यादा कॉस्ट लगेगा तो so, वो कॉस्ट है छः रुपये का ठीक है तो ये कॉस्ट मैट्रिक्स में लिख देता हूँ पहले आपको फोर सेवन राइट दिस इज ट्वेल्व फोर सिक्स फाइव वन थ्री टू एट सो दिस इज द क्वेश्चन ठीक है अब क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ आप लोग के लिए सेल्स मैन वॉन्ट टू विजिट ए बी सी डी ई ही डज नॉट वांट टू विजिट एनी सिटी ट्वाइस बिफोर कंप्लीटिंग हिज टूर ऑल ऑफ द सिटी मतलब किसी एक सिटी में उसको दो बार नहीं जाना जब तक वो सारे सिटीज में एटलीस्ट एक बार नहीं जा पा जाता है ठीक है कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी इन रूपीज इज गिवन फाइंड द लीस्ट कॉस्ट टू सो क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट कॉस्ट राइट सो गाइस मेथड तो असाइनमेंट का ही है पर जनरली ये सीक्वेंसिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में कंसिडर किया जाता है ठीक है so, सो सबसे पहला चीज़ बहुत सिंपल चीज़ है uh, हमको मेथड सिर्फ असाइनमेंट्स के ही फॉलो करना है सबसे पहले रो मिनिमा कॉलम मिनिमा हमको क्या करना है मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ठीक है हमको अलॉटमेंट करना है असाइनमेंट करना है जो हमने किया था ठीक है और जो मिनिमम कॉस्ट है उसको सेलेक्ट करके टारगेट करना है ठीक है सो फर्स्ट स्टेप रहेगा कॉलम मिनिमा और रो मिनिमा ठीक है पर उसके पहले एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है और अभी मैं आपको बता देता हूँ ए बी सी डी एन ई ठीक है तो अगर आप लोग देखेंगे सॉरी फॉर दिस ओके तो डायगनल अगर ज़ीरो हैं ठीक है तो बट ऑब्वियस है कि अगर आप असाइनमेंट करेंगे तो आपके अलॉट लोकेशन सिर्फ डाइग्नल ही होने चाहिए बिकॉज मिनिमम कॉस्ट तो यही है ठीक है तो सेल्स मैन कहीं जा ही नहीं पाएगा ए टू ए बी टू बी ए टू बी कैसे मूव होगा सो मैथ्स का ये एक प्रॉब्लम है तो इसको कैसे सॉल्व सॉल्व करेंगे हम लोग जीरो को बेसिकली इन्फिनी से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये जो डायगनल सेल्स हैं उनको हमको देखना ही नहीं है बिकॉज दोज आर इलॉजिकल सेल्स राइट हम लोग हम लोग उसको इन्फिनिटी मतलब बहुत लार्ज नंबर है और हमारा जो एल्गोरिजम है असाइनमेंट का वो लार्ज नंबर को इमीजिएटली रिजेक्ट कर देता है ठीक ठीक है तो हमने इन्फिटी को डाल दिया सो दैट एल्गोरिज्म उसको कंसिडर ही ना करे सबसे सब पहले हम लोग कॉलम uh, या रो मिनिमा कर लेते हैं ठीक है सो so, वन को माइनस करना है तो वो मैं मैं डायरेक्टली करके आपको लिख देता हूँ वन फोर सिक्स ज़ीरो फोर वैल्यूज़ लिख देता हूँ वन सिक्स ज़ीरो राइट फोर दिस बिकम्स थ्री ज़ीरो इन थ्री दिस इज़ एट 0 2 1 this is 0 2 1 7 take okay. next method is column minima again a p c d e a, p, सो गाइज इन एग्जाम यू कैन फेस अ क्वेश्चन कि जहाँ पर लीस्ट कॉस्ट मेथड या शॉर्टेस्ट रूट करना है तो असाइन करके कुछ क्वेश्चन में आएगा नहीं ठीक है सो इन द डोंट गेट कन्फ्यूज कि हमें क्या करना है ठीक है सो लीस्ट कॉस्ट अगर आपको अलोकेट करना है तो बट ऑबियसली आपको असाइनमेंट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा अब कॉलम में निमा करते हैं हम लोग मतलब कॉलम से रेड्यूज करते हैं सो so, पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज देर इज ज़ीरो राइट तो एज इट इज़ लिख दूंगा इन्फिनिटी फोर फोर एट ज़ीरो सेकेंड कॉलम में भी जीरो है तो एज इट इज आएगा थर्ड कॉलम में ज़ीरो नहीं है ठीक है तो थ्री ज़ीरो इन्फिनिटी वन एंड ज़ीरो करेक्ट फोर्थ कॉलम एज इट इज आएगा और फिफ्थ कॉलम भी एज इट इज ठीक है ये आने के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं एलोकेशन करना सबसे पहले फर्स्ट रो को लेंगे एक ही ज़ीरो है एलोकेट करेंगे उसके कॉलम में जो ज़ीरो रहेंगे कैंसिल करेंगे और रो में भी रहेगा तो कैंसिल करेंगे ठीक है सेकेंड कॉलम रो में आ जाते हैं देर इज़ ओनली वन ज़ीरो कॉलम में एक और ज़ीरो है इसको कैंसिल आउट करेंगे रो में एक भी ज़ीरो नहीं है थर्ड रो आते हैं अगेन एक ज़ीरो है कॉलम और रो में एक भी ज़ीरो नहीं है ठीक है फोर्थ रो में आते हैं तो एक जीरो है कॉलम रो में एक भी जीरो नहीं है सॉरी और लास्ट में आते हैं तो अगेन एक ज़ीरो मिल गया सॉरी गाइस सो अगेन एक ज़ीरो मिल गया तो देखेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिटीज फाइव एलोकेशन मीन्स हैव रिच द ऑप्टीमल सोल्यूशन सो ऑप्टीमल सोल्यूशन इज रीच्ड विदाउट परफॉर्मिंग एनी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जो हमने हंगेरियन मेथड देखा था विदाउट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट हमको मिल गया अगर इसको मैं टोटल कॉस्ट निकालूँ सो टोटल कॉस्ट कम्स आउट टू बी यहाँ पे देखेंगे तो वन प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फोर प्लस वन टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस वन वन second. सो टोटल कॉस्ट हम वन प्लस सी और बी सी और बी थ्री उसके बाद एलोकेशन है सी डी सी डी फोर प्लस एलोकेशन है बी डी बी एन डी फोर प्लस लोकेशन है ए ई इज़ वन सो एट प्लस फोर इज़ ट्वेल्व वन थर्टीन ठीक है सो थर्टीन रुपीज इज़ वॉट अ सेल्स मैन विल हैव टू पे फॉर कवरिंग ऑल द सिटीज ओके सो दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सिक्वेंसिंग जिसको हम लोग कहते हैं कि सेल्समैन ट्रैवलिंग प्रॉब्लम और शॉर्टेस्ट रूट साइकिल प्रॉब्लम ओके सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सेल्समैन टाइप सॉरी सिक्वेंसिंग के जितने मेथर्ड्स थे वो सारे हमने कम्प्लीट किए राइट तो गाइज ग्राफिकल एंड ग्राफिकल के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आएगा अदरवाइज ऑल दी प्रॉब्लम्स आर वेरी ईजी टू सॉल्व ओके सो विद दिस आई विल कंक्लूड द सिक्वेंसिंग मॉड्यूल वी विल मीट नेक्स्ट Uh, uh, next lecture with another model of operation research till then take care and bye